ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੱਭਦਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਬਲਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ हाईवे के नेड़े होने करके एक्सीडेंटल केसों की गिनती बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो भी इतने एमरजेंसी एंट्री तो एमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं। जिवें ही तुसी होस्पिटल के अंदर एंटर कर दे तो तुहानू रिसेप्शन एरिया मिलेगा जिदे विच तुसी अपनी प्रॉब्लम दस के किहड़े डॉक्टर नू मिलना इतने हर डिटेल तुहानू प्रोवाइड की जाएगी। देख सकते हो इस होस्पिटल का वेटिंग एरिया लोग अपने विश्वास के नाल ही इतने बैठे हैं तो अपने इलाज का अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल दे विच दो तरीके दे ओ टी हैं जिदे विच एक मॉडलर ते नाल ही नाल एक माइनर है। तुसी देख सकते हो कि इत्थे हर प्रकार के ऑपरेशन करन चे ए ओ टी सक्षम है। यह है जी अप टू डेट मॉडलर ओ टी जो कि पूरे टांडे शहर दे विच एको ही हॉस्पिटल दे विच है। हेलो मैम। हेलो हेलो जी। मैम इतने की ट्रीटमेंट होंगे ने किदा दे प्रोसेस ने थोड़ा इस बारे दसो सर। मैं आपको बताती हूँ, अनचाहे बालों को हटाने के लिए हमारे पास डायोड लेज़र है, इससे सारे शरीर में कहीं भी अनचाहे बाल हों वो हट जाते हैं। दूसरा हमारे पास एक वक्री लेज़र है जिससे आपकी छाइयाँ, पिगमेंटेशन, अनचाहे टैटू ये सब रिमूव इससे होते हैं जी। हमारे पास क्वालिफाइड हाइड्राफेशियल मशीन है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड की मशीन है जो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही होती है जी। यह आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो देती है और इसे पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डर्मा पेन, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है। ये होता है माइक्रो नीडलिंग, ये किसी भी टाइप के स्कार्स हो गए, गड्ढे हो गए, ओपन पोर्स हो गए, स्ट्रेच मार्क्स, एवरीथिंग, पिगमेंटेशन इवन, ये सब कुछ इससे ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीआरपी मशीन, पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये उसमें एक सीरम बनता है जिसमें हम कंबाइन करके इन सब मशीनों के साथ में इन सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। थैंक यू मैम जानकारी ली।